हमारे वेदानंद सर जो भैया जी के नाम से पॉपुलर है, हमारे निर्मल जी समाज सेवी मुस्तफा भाई और ड्रीम इलेवन टीम के कैप्टन छोटू और यहाँ पे सानू भाई कैप्टन सानू क्रिकेट इलेवन भागलपुर टॉस का सिक्का हवा में है। कॉलिंग किनकी? हेड की कॉलिंग हुई है और ये सिक्का गिरने का नाम नहीं ले रहा है, टेल आया है तो टॉस यहाँ पर जीता है सानू इलेवन टीम के कप्तान ने। और आपका निर्णय क्या होगा? मैं पहले बैटिंग करना चाहूँगा। शायद आज 16 टीमों वाले मुकाबले में चौथा मैच होगा फाइनल। जी जी, तो कोई चेंजेस, कितने चेंजेस अब तक हो गए शुरुआत से लेकर अब तक टीम में कि वही टीम है? मेरे टीम में मात्र दो चेंजेस है, पूरे 4 मैच के दरमियान 2 चेंजेस। तो सेमीफाइनल वाली टीम वही है या कोई चेंजिंग? दो चेंजेस है, एक विष्णु है एक कृष्णा आर्क। अरे बहुत अच्छे गेंदबाज है, आनंद भी है, बहुत तगड़ी टीम आपने आज बनाई है। तो आप बल्लेबाजी करेंगे जी, कितना रन बनाएंगे? रन तो सर यहाँ जितना भी बनाए कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 225 तक मैं रन बनाऊंगा। कितने ओवर का मैच है अमित भाई? 15 ओवर, 225 रन पक्का। आइए आप मौजूद रहेंगे मेरे साथ, बड़े ही सॉफ्ट नेचर वाले हैं छोटू जी, बहुत कम बोलते हैं, इनका बल्ला बोलता है, इनका काम बोलता है। और आज तक मैंने छोटू जी के बाद के अंदर अमित भाई एक बात मैंने पहचान की, कभी इन्होंने अंपायर से गुस्ताखी नहीं की है, बस अपने खेल पर फोकस रहते हैं। दोनों टीम जी, अगर आप टॉस जीते तो आपका क्या फैसला होता है? मैंने के तौर पर पहले गेंदबाजी इन्होंने लक्ष्य बताया 225 ओवर वाले मुकाबले में, आप कितने से कितने कम रन पर रोकने की कोशिश करेंगे? निश्चित तौर पर एक बैटिंग विकेट है तो 200 के अंदर जाऊंगा रुकना, ताकि हमारे बैट्समैन अच्छे से लक्ष्य को हासिल कर सके। एक आखिरी क्वेश्चन, समय कम है, कोई चेंजिंग सेमीफाइनल वाले टीम में? जी नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही टीम के कप्तान को, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रेसिडेंट कला मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस जीता है सानू क्रिकेट इलेवन ने, भागलपुर टीम के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वक्त हुआ है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का, मैं लिए चलता हूँ। और हाँ, आंखों देखा हाल आज जो आप सुनेंगे सुशांत ब्लास्टर लाइव चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मैं चलता हूँ अब अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। एग्जाम्पल दे रहे मुकाबला शुरू होता हुआ, ये सामने की तरफ मैच है, ये चौके से खुला है खाता भागलपुर की टीम का। और पहली बॉल तो पहली ही गेंद पर चौके से खाता खुला है, पहला चौका शादू मिर्जा के बल्ले से। टीमें हैं ड्रीम इलेवन कहलगांव वर्सेस सानू इलेवन भागलपुर, द ग्रैंड फिनाले। प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कैप्टन संजीव सिंह क्रिकेट स्टेडियम से, मैं विनय शेखर आप सबों से मुखातिब हो रहा हूँ। डीप मिड विकेट क्षेत्र में उछाला है और यहाँ पर फील्डिंग हुई है शायद वहाँ पर, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर चार रन होगा। सही नहीं, रवीश राणा की स्कोर है कुल 9 रन, इलाके में डाली गई बॉल, शानू मिर्जा 9 पर 5 गेंदे खेली हैं, 2 चौके इनके बल्ले से निकले हैं और हन्नी भाई का खाता खुलना बाकी, ऑन द राइज खेला है कवर्स एरिया में सिंगल। और यहाँ पर एक डॉट बॉल, तीनों सही इलाके में डाले हैं, काफी ज्यादा बाहर बॉल, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और इस सिंगल के जरिए स्कोर 11, 9 गेंदे डाली गई हैं, करंट रन रेट 7.33 की, यानी कि कहीं ना कहीं से रन रेट एक्सेलरेट करना पड़ेगा यहाँ पर शानू इलेवन भागलपुर को। कुल 15 ओवर्स का मुकाबला देख रहे हैं आप, और यहाँ पर
गेंद की लाइन तक पहुंचे थे, लॉफ करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ, लेकिन गई गेंद एक और रन, एक दर्जन रन बने हुए थे। शान 11 भागलपुर के, दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। रवीश राणा चार गेंदों में 3 रन दिए हैं अब तक, अच्छे फायदे दिया और यहां पर एक हवा में, लेकिन शायद से अभी गेंद हवा में गई थी और देखिए ऑलराउंड व्यूज और उस तरफ कैप्टन संजीव सिंह स्टेडियम जो आर्मी की तैयारियों में जुटेंगे, अपनी तैयारियां करनी होगी वो यहाँ पे आके अपनी तैयारियां पूरी कर सकते। मुझे कोलकाता का असाइनमेंट मिला, धन्यवाद आपका। देखिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और जो चाह रहे थे पाना वो चीजें हुई नहीं। अगर कुछ घटा यहां पर तो एक डॉट बॉल के रूप में, और आप जानते होंगे आईपीएल का सफर अभी थोड़ा आगे चलना बाकी है, लेकिन जिस तरह से आखिरी ओवर्स में मैच जाते दिख रहे हैं, कहीं न कहीं से अब क्रिकेट के सीजन में हम मान सकते हैं कि क्रिकेट अपने चरम को चूमता हुआ नजर आ रहा है। ये नाम बड़ा ही खूबसूरत होता है, इस नाम की गरिमा है, इस नाम में एक पॉपुलरिटी है सचिन नाम में, कि ये सिर्फ भारत के नहीं विश्व के क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उसी नाम का ये गेंदबाज है सचिन। स्कोर है कुल 13.2 ओवर की गेंदबाजी, शानु मिर्जा 11 पर सचिन के सामने, और देखिए यहां पर क्या उंगलियां फेरी है, और अगर विकेटों में गेंद लगती तो वो डगआउट की तरफ दौड़ते रह जाते हैं बल्लेबाज, बहरहाल खतरा टलता हुआ। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का द ग्रैंड फिनाले, टीमें हैं शानू 11 भागलपुर और ड्रीम 11 कहलगांव, नाम ही काफी है इन दोनों का। ये बड़े टूर्नामेंट पर इन दोनों टीमों ने कब्जा किए हैं पिछले 3-4 साल से, बोलबाला है इन दोनों टीमों का। ये देखिए सफल किया था खुद को ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर, तीनों के तीनों विकेट खाली थे, लेकिन हैवी आउटफील्ड, ग्रास काफी बड़ी है, लेकिन इशारा आता हुआ अंपायर का 4 रनों का, मस्ट नीडेड 4, इस चौके की आवश्यकता थी। न कहीं से जो 15-15 ओवर्स वाले मुकाबले हैं और टीम के कैप्टन ने बातें कही कि हम 225 की तरफ देख रहे हैं, इस हिसाब से उन्हें बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। अठारह रन, और ये 18 रन कई दफे एक ओवर में चले आते हैं, और यहां पर देखिए बातों ही बातों में ये तीसरी ओवर की आखिरी बॉल को लेकर आएंगे 18 रन, करंट रन रेट 6.35 की, और इसी तरह से अगर रन बनते रह गए तो भैया 95 पर ही पुलिंदा हो जाएगा पैक, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं, शुरुआती का वक्त है। हन्नी काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं गेंद के साथ, 6 गेंदें 7 गेंदें खेली, 5 रन बनाए, 3 ओवर की समाप्ति अभी अभी हुई, सचिन 2 ओवर 14 रन कोई सफलता नहीं, रवीश राणा 1 ओवर 4 रन कोई सफलता नहीं, शानू 11 भागलपुर का स्कोर है 18 बगैर किसी नुकसान के। आप इस मुकाबले को देख रहे हैं प्यारे दर्शकों सुशांत ब्लास्टर यूट्यूब चैनल पर, ढेर सारे सब्सक्राइबर्स इनके ये बतला रहे हैं कि इनकी व्यूअरशिप कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, और सुशांत कुमार जी को मेरा सैल्यूट है, हमारे क्षेत्र में आप आए लाइव रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्ट्रीमिंग करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सब्सक्राइब कीजिए सुशांत राष्ट्र चैनल और वही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आज के टूर्नामेंट के बाद भी जितने टूर्नामेंट बिहार के बड़े बड़े होते हैं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप फिर आनंद के सागर में डूब जाएंगे। आईपीएल का भी मजा लीजिए और मजे लीजिए अपने बिहार में खेले जाने वाले टेनिस बॉल क्रिकेट का सुशांत ब्लास्टर चैनल के माध्यम से। 18 रन 3 ओवर की समाप्ति हुई है, करंट रन रेट 6 की, ऐसे में हन्नी भाई के ऊपर बड़ा दबाव। हालांकि स्ट्राइकिंग एंड पर शानू मिर्जा कुंदन रॉय 80 विकेट 63 मैचों में ले चुके हैं अब तक। ये दूर से खेले गए शॉट भाग्यशाली रहे, कैप्टन छोटू थे स्लिप में खड़े लेकिन काफी ऊंची उनसे गेंद निकली, उनके वश की बात नहीं। और क्रिकेट में ऐसे शॉट्स आजकल कोई मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपके बल्ले से निकलने वाला रन। सूर्य कुमार यादव के साथ कल आपने अफगानी राशिद खान का भी कल खेल देखा होगा और आज लीजिए मजे प्रेसिडेंट कला मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस चौके का। 22 की रन संख्या 19 गेंदों में ये कुछ ज्यादा अच्छे संदेश डगआउट की तरफ बल्लेबाज दे नहीं पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है शुरुआत का वक्त, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। मुझे यकीन है मालूम है इन दोनों टीम के बल्लेबाजों को गेंदबाजों को मैंने कई दफे खेलते देखा है भाई, आखिरी के 5 ओवर में 150 रन बनाती है ये टीमें। 26.2 शानू 11 भागलपुर टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। गेंदबाज कुंदन रॉय 2 गेंदे डाल चुके हैं और ये क्या एक्शन था, ये कौन सी एक्शन थी, बिल्कुल भाई मलिंगा वाला एक्शन दिखाई पड़ा। थोड़े से पैरेलल हुए, कंधे को नीचे झुकाया, यॉर्कर लेंथ की गेंद डालनी चाहिए, गेंद पहले गिरी, बल्लेबाज ने गेंद की लाइन को परखा और एक शानदार चौका प्राप्त किया। अभी अभी शानू 24 पर, ये लीजिए कौन पकड़ेगा इस कैच को, ये आसान सा कैच है, पहली विकेट गई है तो अच्छी वापसी मानी जाएगी कुंदन रॉय की। इसके पिछले वाली गेंद पर एक फुल लेंथ गेंद डालना चाह रहे थे, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन कैप्टन ने उसे चौके के लिए पहुंचाया था और कैप्टनसी अच्छी इनकी, अच्छी कप्तानी पारी खेलकर वापस डगआउट लौट रहे हैं शानू। पहले विकेट का पतन हो गया है और स्कोर है कुल 33.3 ओवर 30 रन बिना किसी नुकसान के शानू 11 भागलपुर। जो दर्शक देर से आए हैं या इस टूर्नामेंट के बारे में कम जानते हैं मैं बता दूं, 16 टीमों वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट प्रेसिडेंट कला मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की 2 फाइनलिस्ट आज जो हुई हैं दोनों है पड़ोसी, एक है कहलगांव तो दूसरी टीम है भागलपुर। शानू 11 भागलपुर की बल्लेबाजी हो रही है और गेंदबाजी देख रहे हैं आप कहलगांव की। बड़े अच्छे अच्छे नाम, गौरव है, छोटू है और भी बड़े भाई संयोजन आजकल होता है टीमों में, जिस तरह से आईपीएल में आप देखते हैं कि विदेश के 2-3 प्लेयर रहते हैं और अन्य स्टेट के प्लेयर, उसी तरह से आजकल का ये मैच चलता है। ये क्या फंसाया है अपने जाल में, जी हाँ बिल्कुल, गेंद हवा में रुक सी गई थी, हवा उल्टे दबाव के साथ, अगर हवा के साथ ये गेंद जाती तो सिक्स होती और हवा ने गेंद के बहाव को रोका और दूसरे विकेट का भी पतन हो गया यहाँ पर भाई। लगातार 2 विकेट 30 के योग पर, कहाँ 30 पर कोई विकेट नहीं गंवाई थी शानू 11 भागलपुर की टीम। और अभी अभी नजर आ रहे हैं ये हैं रवि झा और यूनिवर्सिटी प्लेयर
अमित चंद्रा। चलिए ग्राउंड की तरफ। ओहो हो अमित चंद्रा भाई ने एक बात बताई, दो लगातार मैचों में छोटू जिन्हें संजीव के नाम से आप जानते हैं लगातार 6 छक्के लगा चुके हैं, तो हुए 4 ओवर खत्म और हमारी पारी भी खत्म हुई। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हुई है। छोटू का खाता खुलना बाकी, हन्नी खेल रहे हैं 5 पर 30 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर खत्म। आइए आगे का आपको देखा सुनाएंगे। नमस्कार, तमाम मैं प्रशांत भरे हुए बल्लेबाज हनी सिंह। ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में और मुताबिक लगातार इस टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजी से वो चला व्यवहार दिखाया है। चली गेंद, ये पटकी हुई गेंद थी और उसको खूबसूरती से बंद कर दिया है। शानदार छक्का, ये हल्की गेंद थी वेरिएशन और ये शतक वीर बल्लेबाज है। ये आपका अपना हनी है और कमाल की वो छक्का के लिए वे भी भेज दिया। 2 ओवर की समाप्ति के लिए स्कोर है 38 रन विकेट के नुकसान पर और इसके साथ 5 ओवर की समाप्ति भी हुई। अंतरण रेट 7.60 के 5 ओवर की समाप्ति। एक और विकेट का पतन होगा क्या? एक और मौका है और लीजिए, एक और विकेट का पतन हो। नो बॉल, नो बॉल का इशारा, अंपायर का इशारा नो बॉल का। एक जीवन दान मिलता हुआ कृष्णा अर्थ। स्कोर है कुल 40 रन। यहाँ कैच सब आ गया था लेकिन ड्रॉप हुआ है कैच, गर्व से शायद संतुलन नहीं बना पाए और हाथ से गेंद गिर गई तो जीवनदार मिलता हुआ। तो स्कोर है 47 3 विकेट के पतन के पश्चात 6 ओवर की समाप्ति हुई है। हनी खेल रहे हैं 17 पर, कृष्णा खेल रहे हैं 3 पर, काफी वक्त ले रहे हैं। कृष्णा 8 गेंदे खेल चुके हैं 3 रन बनाने के लिए और हनी भी अपने पारी को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कप्तान ने जो बातें बताई थी 225 रन उसे काफी पीछे रह जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि अब भी 9 ओवर्स की बल्लेबाजी शेष है और इन 9 ओवर्स में कम से कम 225 रन और बनेंगे तो कुल हिसाब किताब लगाए तो 175 मेरे हिसाब से। हालांकि प्रेडिक्शन में जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 117 की, करंट रन रेट 7.83 की और इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 48 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विकास पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए और यहां पर सफल किया बहुत ही लंबे हिट, शानदार सिक्स निकलता हुआ मैमोथ सिक्स यूज के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने को मिले। काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, गेंद ने कहा वेलकम टाटा गुड बाय, बल्लेबाज ने दिखाया दम भी मैक्सिमम और 54 एक और सिक्स लगातार दूसरी सिक्स निकले हैं। बॉल डाल दी गई थी और करना चाहते थे बल्लेबाज को लेकिन ओवर पिच हुई और एक आसान सा सिक्स अभी अभी निकला है हनी के बल्ले से। अरे गेंदे 23 रन बना चुके हैं, स्कोर 54 11 भागलपुर का 3 विकेट के नुकसान। तो लगातार गेंदों में 2 छक्के निकले हैं। माफ करेंगे, इस छक्के के साथ स्कोर चला गया कुल 60 रन।
और यहां पर फंसा लिया है स्लोअर बॉल और फंसा बल्लेबाज आउट होकर वापस पर लिए जाना पड़ेगा। हल्दी को एक बड़ी मछली जाल में बिग फिश ट्रैप इन द नेट, एक बड़ा विकेट अभी गवाया है सानू एनिमल भागलपुर ने और कहीं न कहीं से बैकफुट पर यह टीम अब नजर आनी शुरू हो गई है। चार विकेट गिर गए हैं, स्कोर है मात्र 60 रन। सातवीं ओवर फेंकी जा रही है, मुश्किलों में फंसती हुई सानू इलेवन भागलपुर की टीम। ड्रीम इलेवन कहलगांव ने अपना कमाल कस लिया है, पूरे मुकाबले पर शुरुआत से ही दबाव बनाती हुई नजर आई और अब तक दबाव बना हुआ है सानू इलेवन पर। 60 चार विकेट 4.5 ओवर करंट रन रेट है 8.78 की और प्रोजेक्टेड स्कोर 132 की। हमारे लाइव करने वाले सुशांत भाई आज आए हैं, सुशांत ब्लास्टर का लाइव चल रहा है और इधर ग्राउंड पे घमासान मसला हुआ है। ड्रीम इलेवन कहलगांव वर्सेस सानू इलेवन भागलपुर के बीच और ये हमारा दो और उधर रोड क्रिकेट चलता हुआ अपने सब आपको चूमता हुआ फाइनल द ग्रैंड फिनाल एक और चौका निकला अभी अभी कृष्णा के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर चला गया 66.3 ओवर 66 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात सानू इलेवन भागलपुर। बाबू भैया एक शॉट मिड विकेट के ऊपर से शानदार लाजवाब छक्का निकलता हुआ अभी अभी तिहत्तर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर सानू इलेवन भागलपुर। ये ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है, सानू इलेवन भागलपुर का स्कोर है कुल 74 4 विकेट के नुकसान पर। और प्रखंड जदयू अध्यक्ष कमलनाथ भैया ठाकुर मंदिर सिंह जी मुस्तफा जी एवं मैं तमाम मेंबरों का स्वागत करता हूँ, अतिथिगणों का जो आज आपको इस फाइनल मुकाबले का हिस्सा बने हैं, आपका स्वागत करती है धन्यवाद करती है। ये हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर उड़ा है, सिक्स है या कैच जी नहीं, ये अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, और इशारा अब आया है 6 रनों का मैक्सिमम मिलता हुआ और छक्के के साथ स्कोर 80 4 विकेट के नुकसान पर। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है कृष्णा के 22 पर सानू इलेवन भागलपुर 80। आधे ओवर्स गए, आधे ओवर्स ही शेष है, और यहाँ पर गेंद तो नजर ही नहीं आई, इतनी तेज इतनी रफ्तार इतनी टाइमिंग अच्छे के बल्ले गई 4 रन।
के साथ स्कोर चला गया है कुल 84 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 8.3 ओवर्स। सानू 11 भागलपुर। यू आर वाचिंग नाउ प्रेसिडेंट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट द ग्रैंड फिनाले। हल्के हाथों से स्लैश किया मिड विकेट क्षेत्र में एक रन। हुआ क्या थी बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद उनका लेग स्टंप खाली हो गया था और अब फैसले ही अंपायर फैसले देते हैं। तो अभी अभी आनंद वापस पवेलियन गए हैं। दुर्भाग्यशाली रहे लेग स्टंप खाली रह गया था उनका और गिल्ली धरती चूम गई। लेकिन अच्छा इस्तेमाल कवर के ऊपर से वन पॉइंट चौका, एक शानदार चौका अभी अभी कवर के ऊपर से प्राप्त किया कृष्ण अर्क चौके के साथ पहुंचे कुल अपने। दूसरी बॉल है ये और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा 28 पर और सानू लेवल भागलपुर का स्कोर 92 5 पर कृष्ण अर्क 28 पर। बहुत खराब है भागलपुर की टीम के 93 और 5 विकेट गए। करंट रन रेट 9.6 दो की और ये बहुत ही लंबी हिट जा रही है और दर्शकों से अच्छी लंबाई प्राप्त की, एलिवेशन भी मिला और दूरी भी प्राप्त की और बिट्टू के बल्ले से भी निकला पहला छक्का। 100 से मात्र एक रन पीछे है सानू लेवन भागलपुर की टीम और ऐसे ही शॉट की दरकार है। ये बॉल दूसरा छक्का क्या लगाएंगे बल्लेबाजी को ओवर में फुल टॉस वाली बॉल है और लीजिए सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो गए। दसवीं ओवर के आखिरी बॉल पर अभी अभी एक रन मिला है और इस सिंगल के जरिए स्कोर 100 खत्म हो गया पूरा भागलपुर की टीम का। 10 के बाद 105 विकेट के नुकसान पे और स्थिति वो बहुत खराब दिख रही है। मात्र 30 गेंदों का खेल है बाकी और चलिए चलते हमारे साथी कमेंटेटर पीएन शेखर की तरफ। धन्यवाद कामरान। अभी अभी जो बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही थी सानू 11 भागलपुर की टीम एक्सेलेरेटर पर सिर्फ पांव ही नहीं दबाया टॉप गियर में आए और बुलेट की सवारी छोड़कर अब जेट विमान पर बैठ गए हैं। बिल्कुल विमान उड़ाना पड़ेगा अन्यथा काफी पीछे रह जाएंगे आप। 30 गेंदों का खेल शेष 100 रन 5 विकेट सानू 11 भागलपुर ड्रीम 11 के खिलाफ खेल रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये गेंदबाज थोड़ा अजूबा है अजब किस्म की गेंदबाजी बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड द विकेट। रवीश राणा नाम है इनका। पहले ओवर की गेंदबाजी में मात्र 4 रन खर्चे थे इन्होंने। एक एंड से गेंदबाजी होती है फारवे एंड की तरफ से दूसरी दफे भी छकाया है इस ओवर में। क्या लाजवाब खेल चल रहा है कैप्टन संजीव सिंह स्टेडियम के अंदर और क्या लाजवाब आयोजन है अमित चंद्रा निर्मल सिंह रवि झा उनकी कमेटी का। और ये लीजिए सफल किया था खुद को डांसिंग डाउन द ट्रैक आए गेंद को उछाला हवा में और सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद थे लॉन्ग ऑफ में वो साइड स्क्रीन के हमारे दाहिनी तरफ और
और एक आसान सा कैच पकड़ के किट्टू की पारी का अंत हुआ। 12 रन बनाए, 6 गेंदे खेली थी और एक और झटका लग गया। किट्टू के साथ साझेदारी अच्छी चल रही थी कृष्णा अर्क की, लेकिन अभी अभी ये साझेदारी तोड़ दी गई। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक ये क्रिकेट तकदीर का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें आपको अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी। और आजकल की क्रिकेट कैलकुलेटिंग क्रिकेट हो गई है, समीकरण को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है। 20-20 का फॉर्मेट भी नहीं है, ये 15 ओवर्स मैच। और कहीं ना कहीं से नजरें रहेंगी टीम के कप्तान की। उन्होंने बताई थी बातें टॉस के वक्त, सानू ने बोली थी बातें कि मैं 225 के करीब पहुंचने की कोशिश करूंगा हमारी टीम, लेकिन काफी पीछे रह जाएगी। अब 225 को चूमने के लिए इन्हें चाहिए 125 रन और गेंदे बची है मात्र 27। हालांकि देखिए भाई, ये क्रिकेट है, रिंकू सिंह के बल्लेबाजी को याद कीजिए। आज तक मैंने कोई ऐसा मुकाबला नहीं देखा था कि 5 लगातार छक्के मारने की जरूरत हो और 5 छक्के कोई मार दे। जावेद मियादाद ने आखिरी बॉल पर एक सिक्स जो लगाई थी, 84-85 का मामला है, वो कई सालों तक, कई दशक तक धूम मची रही। लेकिन अब ये क्रिकेट ने बिल्कुल गियर चेंज किया है। हो सकता है कि 125 बन जाए यहां से, ये क्रिकेट है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते आप। रवीश, क्या एक और विकेट गिरने का खतरा है? मैं चुप हो जाता हूं। ओ माय गॉड, ये वही बिल्कुल जो गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस बनती हुई नजर आ रही थी, वो मालगाड़ी में तब्दील हुई और अब बैलगाड़ी में। हम लोग जेट विमान देखना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से सानू 11 भागलपुर की टीम काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक करके उनके सारे जांबाज सैनिक वापस पेवेलियन डगआउट में लौट रहे हैं। 7 विकेट का पतन और अब भी यहां से जो गेंदे शेष है वो है 26। तो कहीं ना कहीं से आने वाले बल्लेबाजों को 26 गेंदों को देखना पड़ेगा। 26 गेंदे हर हाल में खेलनी पड़ेंगी और कम से कम 50 रन और बनाने होंगे। मात्र 100 रन बने हैं। क्या ये फाइनल मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है लो स्कोरिंग मैच की वजह से, या एकदम एक तरफा होने वाला है? ये भविष्य के गर्भ में है। याद कीजिए उस मुकाबले को, पाकिस्तान में पटाखे छूटने शुरू हो गए थे, भारत की टीम 125 पर पै शारजा 1984-85 और पाकिस्तान की टीम गई ऑल आउट 85 पर। तो कहीं ना कहीं से ये लो स्कोरिंग मैच भी काफी खतरनाक होते हैं भाई। क्या ये लो स्कोरिंग फाइनल होने वाला है? रवीश राणा 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर में, पिच को हिट कर रहे हैं रवीश। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए, स्कोर 101। 7 विकेट का पतन हुआ है, करंट रन रेट 9.47 की। जब विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं तो देखिए मारने वाली गेंदों को भी बल्लेबाजों को डिफेंस के मूड में आके प्लेस करना पड़ता है। न कहीं से अब विकेट गिरने के भय को भी छोड़ना पड़ेगा, मोमेंटम चेंज कीजिए। ओ माय गॉड, व्हाट अ डिलीवरी! अक्सर आपने देखा होगा आजकल कि गेंदबाज यॉर्कर लेंथ की गेंदों को ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, स्लोअर डिलीवरी यॉर्कर लेंथ, स्लोअर बाउंसर और वाइड यॉर्कर। ये तमाम चीजें इसलिए आ गई कि सारी की सारी चीजें जो नियम बने आईसीसी के, वो गेंदबाजों के खिलाफ बने। एक बाउंसर मारिएगा, अगली गेंद नो हो जाएगी। ओवर स्टेपिंग करेंगे तो नो बॉल के रूप में तो एक गया रन, लेकिन फिर फ्री हिट हो जाएगी। और बल्लेबाजों के हित में क्या है,
बल्लेबाजों के हित में आए, मोटे ब्लेड वाले बल्ले, इतने मोटे। और भाई क्रिकेट में देखिए, टेनिस में तो इतना खटाल पीछे होता है कि चार कपड़ों का सेट आप बैठ के पीछे रख लीजिए। वो बल्ले भी आ गए हैं, बल्ले बल्ले हो गए बल्लेबाजों के। 103, ये ओवर की शुरुआत हुई, 12वीं ओवर की शुरुआत। कुंदन आए हैं एक बार फिर अपने अजीबो गरीब एक्शन के साथ। एक ओवर 13 रन, 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी ओवर लेकर आए हैं सानू 11 भागलपुर, 102 रन, 7 विकेट के पतन के पश्चात 12वीं ओवर। ये तो भाई कभी कल्पना भी नहीं की होगी पूरे टूर्नामेंट के दरमियान। ये लीजिए, हवा में शॉट है, एक और आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन हो गया। एक एक करके सारे बल्लेबाज पवेलियन में पतझड़ का मौसम अभी तक आया नहीं, लेकिन कैप्टन संजीव सिंह स्टेडियम में पतझड़ का मौसम नजर आने लगा है। भाई कोई भी बल्लेबाज अपना दम दिखा पाने में बिल्कुल असफल साबित हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लालू यादव आए हैं इस ओवर के बाद, सबको लेके आइए। पल में चौका नहीं मारता है, छक्का नहीं मारता है, लगता है हमको धोती बांध के उतरना पड़ेगा। लाइए पैड, हमारे पैड का खेल नहीं है सर, कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया है, घुटना में लगेगा, गिर जाएंगे, पैड बांध के उतार दो हमको। अब बुतरो लोग सब बचवा को बताएं कैसे मारता है। लालू जी अभी चुपिए आप, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये रवि शाह मुझे बोलते कि भाई आप लालू को बुलाइए। चलिए एक बार फिर से क्रिकेट के अंदर 103 8 पर। यहां पे दर्शक आज काफी निराश हुए हैं, जिस चीज को देख रहे थे पिछले 14 मैचों में चौके छक्कों की बौछार, 234 को चेज भी किया जा चुका है। और अमित चंद्रा ने बताया कि भाई चेज करते हुए मात्र एक बार कोई टीम जीती है, और यही टीम जीती थी सानू 11, लेकिन आज काफी पिछड़ती भी नजर आ रही है। 100 के इर्द गिर्द कांटा रुका हुआ नजर आ रहा है। 104 8 पर 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। कृष्णा अर्क 30 पर, शाहिद खेल रहे हैं एक पर। 15 ओवर्स के मुकाबले में इस ओवर के बाद मात्र 3 ओवर्स का गेम शेष। ये हल्की सी हेलीकॉप्टर घूमी है और 1 बाउंस 4 निकल गया। देखिए कभी कभी जो प्रकृति होती है, अगर आप सच्चे दिल वाले हैं, ईमानदार हैं, बखूबी अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो प्रकृति भी आपको मदद करती है। और अभी अभी वो बात, वो झलक देखने को मिली, एक हेलीकॉप्टर चली, लगा चौका होगा नहीं, लेकिन एक चौका निकला। 108 8 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति हुई है, और जबकि 12 ओवर संपन्न हुए हैं हमारी। अब बदली होगी यहां पर, लेकिन बदली होने से पहले राजकुमार साहब, यानी हम हैं, बाकी सब में पानी कम है, न तीर न तलवार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है, तो मौजमपुर वालों की मार से। धन्यवाद, शुक्रिया। आइए आगे का आपको देखा हाल सुनाने के लिए प्रशांत। एक और विकेट का पतन हुआ है, 9 में बल्लेबाजी वापस पवेलियन जा रहे हैं। 108/9 13 में ओवर की शुरुआत हुई, और एक और विकेट का पतन अभी अभी होता हुआ। 108/9
108 रन बने हैं, 9 विकेट का पतन हुआ है और अब डर इस बात की कि क्या पूरे ओवर खेल पाएगी शानू 11 भागलपुर की टीम। आखिरी जोड़ी विष्णु और शाहिद 108, 9 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर। इस ओवर के बाद दो ओवर के और भी बल्लेबाजी शेष है। ये गेंद फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हिट चाहिए, ये सिक्स चाहिए, ऐसे 4-5 करारे शॉट्स की आवश्यकता है फाइनल मुकाबले को जीवंत शानदार और जानदार बनाने के लिए। 116, 9 विकेट पर। क्या एक विकेट और जाने वाला है इस बॉल पर। ओ क्या गेंदबाजी भाई, और यहाँ पर एक और चौका निकल जाएगा। एक और अच्छी फील्डिंग हुई है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 117, 11 भागलपुर जो खेल रही है ड्रीम इलेवन कहलगांव के खिलाफ, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया 118 नौ पर। और ये हेलीकॉप्टर, छोटी सी हेलीकॉप्टर चली है, ठीक से लैंड नहीं भर पाए। एक रन मिलेगा, एक रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन, 119। व्हाइट का इशारा आते हुए एक चौका निकलेगा, एक चौका निकलेगा, मस्ट नीडेड बाउंड्री। चौका आता हुआ आखिरी गेंद पर, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 14 ओवर, 124 रन, 9 विकेट के नुकसान पर शानू 11 भागलपुर का स्कोर है। प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ड्रीम इलेवन कहलगांव के खिलाफ 124 रन, शानू 11 भागलपुर। अंतिम 5 गेंदे शेष, 125 रन बने हैं, 9 विकेट का नुकसान हुआ है। शानू 11, ये आखिरी विकेट भी अब जाती हुई पवेलियन, ऑल आउट हो गई है शानू 11 भागलपुर की टीम, 125 पर ऑल आउट। तो यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शानू 11 भागलपुर की टीम ने ड्रीम इलेवन कहलगांव के खिलाफ कुल 125 रन बनाए हैं। उनकी पूरी टीम ऑल आउट हुई है और वो पूरे के पूरे 15 ओवर्स भी नहीं खेल पाए, कुछ गेंदें बच गए। तो जीतने के लिए चाहिए 126 रन। इस प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को जैसे मुकाबला शुरू होगा मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए थोड़ा विश्राम पे चलता हूं। दोस्तों एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ 126 रनों का लक्ष्य रखा गया है और पहले गेंद पर ही बल्ला घुमाया है मिड विकेट की तरफ। और खाता खुलता हुआ पहली गेंद पर रवीश राणा हैं बतौर ओपनर और उनके साथ हैं छोटू। जीतने के लिए कुल रन चाहिए 126 और 90 गेंदों में 126 रन। ये बड़ा ही आसान सा लक्ष्य माना जाता है आजकल की क्रिकेट के अंदर। कृष्णा अर्क है गेंदबाज और उनके सामने बल्लेबाज हैं छोटू। लंबी कद काठी कृष्णा अर्क के, सामने की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से टकराती हुई गेंद आई स्लिप में, एक डॉट बॉल। और यहां पर फुल टॉस बने, बॉटम ऑफ द बैट लगी गेंद और मिड ऑफ क्षेत्र में एक तैनात क्षेत्र रक्षक, एक और डॉट बॉल निकलती हुई। स्लोअर डिलीवरी, गेंद को हवा में उछाला है लेकिन नो मैन्स लैंड,
क्षेत्ररक्षक काफी आगे खड़े थे और एक बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली बाउंड्री आई अभी अभी चौके के रूप में, स्कोर चला गया है कुल पांच। ये नाइस खेला है बहुत ही, क्या खूब खेला है, क्या शानदार खेला है। गैप ढूंढे अपने लिए, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए ऑन द राइज, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक और शानदार चौका निकलता हुआ। और यहाँ पर 38 सर्किल का भरपूर फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज, छोटी सी ग्राउंड है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज छोटू। पहली ओवर संपन्न हुई अभी अभी, स्कोर है कुल 13 बिना किसी नुकसान के। अब ड्रीम इलेवन कहलगांव को चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए 84 गेंदों में 113 रन चाहिए। गेंदबाज आए हैं शाहिद, ये शॉट बहुत ही लंबी दूरी तय करेगी, एलिवेशन भी मिला, दूरी भी प्राप्त की। बल्लेबाज है रवि शिराना, और क्या शॉट निकला है इनके बल्ले से, क्या ताकत झोंकी, क्या टाइमिंग, बिल्कुल सटीक गिरती हुई इनकी टाइमिंग। 19 रन आ गए हैं, करंट रन रेट 16.2 दोनों की, और अब 83 गेंदों में मात्र 107 रन, और फिर और हम बातें ही करते रह गए, और एक और सिक्स, एक और स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक और छक्का निकलता हुआ, दो लगातार छक्के निकले हैं। स्कोर 25, रवीश के बल्ले से एक और सिक्स, 3 गेंद 13 रन, 2 छक्कों के साथ ड्रीम इलेवन कहलगांव 8 गेंदों में 25 रन आ चुके हैं ड्रीम इलेवन कहलगांव के। ये लीजिए हैट्रिक, सिक्स, 3 लगातार गेंदों पर 3 छक्के रवि शिराना के बल्ले से, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। 31 रन 9 गेंदों में ये 31 रन आ गए हैं, करंट रन रेट 20.67 की पहुंचती हुई। 81 गेंदों में 95 रनों की आवश्यकता, बिल्कुल एक तरफा बनाते हुए दोनों बल्लेबाज ड्रीम इलेवन कहलगांव के। बिहार में ये टीम काफी दबदबा बना चुकी है, और दबदबा बना रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। एक बार फिर से 4थी गेंद लेकर गेंद के पीछे आए, और क्या कट किया है, बकवर पॉइंट क्षेत्र में शानदार चौका निकलता हुआ। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के, और अगली गेंद पर एक दमदमाता चौका। 5 गेंदें खेली हैं रवीश ने, और पहुंच गए कुल 23 रन पर 35 ड्रीम इलेवन कहलगांव। और लीजिए एक और हिट, एक और सिक्स, एक और गगनचुंबी छक्का, मैम ऑफ ह्यूज, ह्यूज एंड मैम ऑफ सिक्स बाय रवीश राणा। रवीश मूव्ड ऑन नाउ टू 29 एंड ड्रीम इलेवन कहलगांव 41 विदाउट लॉस। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ इंथुजियास्टिक बैटिंग बाय रवीश राणा। वन बॉल रिमेनिंग, 41 विदाउट लॉस, रवीश राणा मूव्स ऑन टू 29। 6 गेंदों का सामना किया है, 4 छक्के 1 चौका लगा चुके हैं। अब 79 गेंदों में मात्र 85 रन चाहिए जीतने के लिए, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 50,000 की नामी राशि, और वो 5.5 फीट वाली चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए। मुझे लगता है कि ये मुकाबला अगर इसी तरह से गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजी हुई, तो 7-8 ओवर में ये मैच खत्म हो जाएगा, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मात्र 8 ओवर 7 ओवर में ये मैच मुकाबला खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत त्रास आता है इस लड़के को। 42 रन आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पर चाचा परखा और लिफ्ट किया, 2 ओवर 42 रन, किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है।
42 पे पहुंच गई है टीम ड्रीम इलेवन से। इस ओवर में आए उन्हें 30 रन और चलिए चलते हमारे साथी कमेंटेटर टी एन शेखर की तरफ। जी बिल्कुल धन्यवाद कामरान। जो दर्शक देर से आए होंगे कुछ काम करने के लिए बगल में गए होंगे या उन्हें कोई छोटी बड़ी संख्या लगी होगी, लौट के आए होते तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि 42 रन आ भी गए। बातों ही बातों में ये 42 रन बनाने वाले कौन है? ये भाई छोटू की सरकार है, रवीश राणा की सरकार है। 42 दो ओवर करंट रन रेट 21 की और अब जीतने के लिए ड्रीम इलेवन कहलगांव को चाहिए 84 रन 78 गेंदे शेष। भाई ये ड्रीम इलेवन कहलगांव बिहार में डंका बजा रही है अपना। इस टीम के सामने बड़े बड़े टीम के एक खिलाड़ी घुटने टेक रहे हैं। ये कैप्टन है, ये शहंशाह है, ये बादशाह है, ये राजा है और सभी गेंदों की धुनाई करने का माहिर बल्लेबाज है। दौड़ता भी कमाल का है, मानो उसेन बोल्ट दौड़ लगा रहा हो। बड़े ही शांत चित्त खिलाड़ी और जो शांत होते हैं भाई तूफान आने का संकेत होता है। टीम के कैप्टन है छोटू, लीजिए ये एक मौका है पहले विकेट गिरने का खतरा और यहां पर ब्रेक फ्रो मिलते हुए चले बिल्कुल खामोशी के साथ, कोई तूफान पैदा नहीं कर पाए। लेकिन जब जब मैं छोटू को देखता हूं, उस बल्लेबाज को देखता हूं तो मैं खुशी मुझे प्राप्त होती है। और हमारे साथ आज खुशी की बात है कि कमेंट्री बॉक्स में नवीन भी बैठे हुए हैं, पहले काफी सेवा दी इन्होंने। नवीन आप एक बार हमारी तरफ दिखा दें, भागलपुर खेमन ट्रॉफी जब चैंपियन बनी तो कहीं ना कहीं से इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर सूर्यवंशम का योगदान, सचिन का योगदान, गौरव का योगदान तो कहीं ना कहीं से मैं मानूंगा नवीन का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें। बेशक अब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलते हैं, 44 रन आ गए हैं 2.2 ओवर। बिल्कुल ये ब्रेक थ्रू जो आपने ली है इसे थोड़ा और बढ़ाइए, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी गिर गई उस बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा चौड़ा कीजिए, कंधे मत झुकाइए, आप जीत सकते हैं। 10 अच्छी गेंदों का ही तो खेल है क्रिकेट, ऐसा ना माने कि 44 रन बन गए ढाई ओवर में तो काम और मामला बिगड़ गया। अब भी जीतने के लिए 82 रन चाहिए, ये 82 रन 82 बनाने पड़ते हैं, कमरन नहीं होते ये। जी बिल्कुल, देखिए दबाव थोड़ा सा बढ़ा है, दबाव थोड़ा सा बना है और इस दबाव को कायम रखने की आवश्यकता। 44 एक विकेट का नुकसान, ड्रीम इलेवन कहलगांव की टीम पीछा कर रही है 126 से छोटे लक्ष्य का। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। वाइड भाई इस तरह की गेंदबाजी, एक तो आपने कम रन बनाए हैं और इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो काम आसान हो जाएगा ड्रीम इलेवन कहलगांव का। तीसरी ओवर प्रगति पर और रन बन नहीं रहे, रन भाग रहे हैं जिस तरह से हवाएं बह रही हैं मीठी मीठी ठंडी ठंडी। एक दो साल पहले गौरैया चिड़िया चील गिद्ध नजर नहीं आते थे लेकिन वो अब नजर आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रकृति ने एक सुंदर मैसेज भी दिया है, इन चीजों को भी बचा के रखना है। वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, इन खेलों को भी आगे बढ़ाना है, क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन संजीव, आप तो नायाब निकले भाई। क्या हेलीकॉप्टर, इस तरह की बिल्कुल बेजान गेंदे आप करेंगे, सीधी गेंद, ना उंगलियों का फिराव, ना कंधे का घुमाव, तो भैया बल्लेबाज के लिए आसान काम हो जाएगा। वो चौके के साथ स्कोर 50 को चूमता हुआ, 3 ओवर ही खत्म हुए हैं, 50 रन आ गए, 126 में 50 रन का बनना
126 में 50 आए तीन में, अब गेंदे बची हैं 72 रन चाहिए 76। आप लाइव देख रहे हैं सुशांत ब्लास्टर चैनल पर, मैं हूं पीएन शेखर। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें तो बढ़िया कमेंट करें। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें, रवीश इस सिंगल के साथ गए हैं 34 पर, रवि रंजन अभी अभी आए तो थोड़ा जमेंगे, देखेंगे परखेंगे और फिर अपने कंधे खोलेंगे। बड़े अच्छी कद काठी वाले गेंदबाज हैं ये, और फील्ड की थोड़ी बहुत प्लेसमेंट इसलिए होती है कि भाई एक बायां और एक दायां बल्लेबाज है, और ऐसे में हमारे अंपायर्स को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कृष्णा क्या फिजिक है इनकी, जिस तरह से नवीन को मैं देखता हूं बिल्कुल कसा हुआ शरीर, ठीक वही कदकाठी कृष्णा की। क्या गेंदबाजी एक्शन है, और ये लीजिए एक और विकेट। या क्या कैचिंग हुई है भाई, क्या कैचिंग, तालियां बजाइए दर्शकों, एक बार जोरदार तालियां, अच्छी फील्डिंग के लिए होनी चाहिए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। मां को इस कदर के बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि दर्शकों को खिलाड़ियों को जोश आ जाए। क्या कैचिंग, बिल्कुल क्रिकेट इसी का तो नाम है। और भैया आजकल क्रिकेट में यो-यो टेस्ट पास करने होते हैं, और सिर्फ क्रिकेट गेंद बल्ले का खेल नहीं, कैलकुलेटिंग गेम हो गया है। बिल्कुल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्ला तो चलेगा लेकिन आपको एक लक्ष्य पर भी ध्यान रखना होता है, किस गेंद को प्लेस करें सिंगल लें, किस बल्लेबाज को स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाना है, ये तमाम चीजें चलती हैं। प्यारे दर्शकों, YouTube चैनल के दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स किए जा रहे हैं आप। और इस शानदार टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं आप, मुंगेर जिले के तारापुर क्षेत्र से कैप्टन संजीव सिंह स्टेडियम के अंदर से, जहां रवि झा, निर्मल सिंह, अमित चंद्रा यूनिवर्सिटी प्लेयर और उनकी कमेटी का शानदार आयोजन है ये। ओवर खत्म अभी हुआ नहीं है, 3.2 ओवर, क्या ब्रेक थ्रू, और इसे आगे बढ़ाएंगे, मोमेंटम चेंज होगा। क्या खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल क्लासिकल, गेंद के आने का इंतजार किया और बिल्कुल कंधा नीचे, बल्ला और पैर एक साथ, सचिन नाम ही काफी है। जो स्टांस है सचिन की, थोड़े से टेपर खड़े होते हैं, थोड़ा सा डायगनल, और ये स्टांस 99% बल्लेबाजों की टेनिस बॉल के अंदर रहती है। भाई टेनिस बॉल छोड़िए, आजकल जिस तरह से सूर्या शॉट्स लगाते हैं, जिस तरह से राशिद खान खेल रहे हैं, जिस तरह से नए नए बल्लेबाज खेल रहे हैं, वो बिल्कुल लगता है टेनिस बॉल खेल रहे हैं। ये लीजिए कमाल शॉट, मोमेंटम बनने से पहले टूट जाए तो फिर वो बेस्ट होता है चेस करने वाली टीम के लिए। इस चौके के साथ इस स्कोर चला गया है कुल 61 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात। अब जीतने के लिए चाहिए ड्रीम 11 कहलगांव को 67 गेंदों में कुल 65 रन, तो गेंदे अब ज्यादा है और रन हो गए कम। ओवर की आखिरी गेंद डॉट के साथ संपन्न, 4 ओवर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर ड्रीम 11 कहलगांव। सचिन खेल रहे हैं 10 पर, रवि रंजन 2 पर। आगे की कहानी, आगे का दास्तान, आगे की दास्तान सुनाएंगे प्रशांत। और बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल एफर्टलेस बल्लेबाजी, रवि रंजन ने गेंद के आने का इंतजार किया,
और फाइन लीग क्षेत्र में बिल्कुल सहला दिया गेंद को। 65 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट काफी नीचे आता हुआ 5.63 की और करंट रन रेट 15.60 की। ये भी बहुत अच्छा शॉट, खड़े खड़े खेला। तो जितने रन चाहिए उनसे ज्यादा रन बन गए हैं और जितने के लिए अब चाहिए 64 गेंदों में 60 रन, 66 रन आ गए। बहुत आसानी से लक्ष्य की तरफ देख रही है ड्रीम इलेवन की टीम। और देखिए क्या डेलिकेट, क्या डेलिकेट, क्या खूबसूरत, क्या स्टाइल। लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, एक डॉट सचिन ने खेली अपने लिए। और देखिए लगातार लगातार गैप ढूंढ रहे थे सचिन, शायद अपनी क्लास दिखा रहे हैं यहाँ पे। बेशक सारे बल्लेबाजों को चौके छक्के छक्के लगाना पसंद है, लेकिन सचिन थोड़ा सा अपनी क्लास दिखाते हुए, थोड़ी सी अपनी क्लास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कैप्टन संजीव सिंह स्टेडियम के अंदर। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, सचिन तौलिया नाम है इनका, तौल रहे हैं सभी। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत, क्या इनोवेशन है और इनोवेटिव शॉट्स आजकल सिर्फ स्थानीय स्तरों के मुकाबले में ही लग रहे हैं। आईपीएल T20 के इंटरनेशनल मुकाबले में भी देखें तो भाई ऐसे कई शॉट्स, दिल स्कूप स्कूप स्विच हिट स्लॉग स्वीप, काफी शॉट्स इजाद कर लिए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे कि जीभे आपकी लटका जाए। टंग ट्विस्टर होने लगता है भाई, और टंग ऐसे ऐसे शॉट्स, कमाल की बल्लेबाजी सचिन। 8 गेंद 20 रन, 2 चौके 2 छक्के, अब 85 रन चाहिए 60 गेंदों में। और ये 50 रन 5 ओवर खत्म हुए हैं। मुझे लगता है अगर मैं एक अनुमान लगाऊं तो अगले 4 ओवर में ये मामला खत्म होने वाला है। 8.5-9वीं ओवर तक ये मुकाबला खत्म हो जाएगा। अगर मुकाबले में बने रहना है तो हर हाल में विकेट से निकालने होंगे। अगले 3 ओवर में 3 विकेट निकाल लेगी अगर टीम सानू 11 तो फिर उनकी वापसी संभव हो सकती है। 3 विकेट निकालने होंगे, सिर्फ एक ही विकेट नहीं। क्या 1 विकेट जाने वाला है, क्या गया? और जी बिल्कुल, 1 विकेट ये अभी अभी जाता हुआ तो दूसरी तीसरी विकेट चली गई है। क्या मोमेंटम चेंज होगा, क्या 2 विकेट और निकालेगा ये गेंदबाज? अगर एक और विकेट इस ओवर में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर 4वीं विकेट चली जाएगी और फिर वो मोमेंटम प्राप्त नहीं कर पाएगी ड्रीम इलेवन कहलगांव की टीम। जिस हिसाब से वो खेल रही है, एफर्टलेस निडर होके खेल रही है, कहीं ना कहीं से उनका वो एफर्टलेस पारी रुकेगी, वो तन्मयता रुक जाएगी उनके। तो क्या मोमेंटम यहां से चेंज होगा? बल्लेबाजी करते हैं और मेरी कमेंट्री में कई मैचों में शतक ठोक चुके हैं। ये दूर से खेला था, क्या आज गौरव अपना कमाल दिखाएंगे? गौरव का विकेट यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। अगर गौरव के विकेट को ले लेते हैं सानू 11 के गेंदबाज तो बहुत बड़ी सफलता होगी इनकी और उनकी वापसी भी मानी जाएगी। विष्णु यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, 1 रन दूसरे रन को भी लेना चाहेंगे और दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा होगा। और लीजिए यहाँ जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था सानू 11 के पक्ष में, उस मोमेंटम को तोड़ा है
इस छक्के ने तोड़ा। सचिन के बल्ले से सिक्स निकली, नौ गेंदों में 26 पर पहुंचे सचिन और ड्रीम इलेवन कहलगांव 85। 41 रन चाहिए मात्र 55 गेंदों में। बड़े खिलाड़ी और बड़ा मन सजा था, ये अभी तक इनका पूरे टूर्नामेंट में भला चला नहीं था। एक बार फिर से इसमें तैयार, एक बार शुरू करने का तैयार। ठीक है तो परिवार सभी बच्चा से पिछला है तो पिछले खिलाड़ी खेल के स्पिन हुई और आया है पिछला एक और पिछले सचिन के लिए बेहतरीन स्टॉक। एक और मुश्किल आप कर सकते हैं वहां पर, जब तक गेंद को विकेट का पता हुआ हमारे स्कोर महोदय 3 विकेट के नुकसान पर 87 ड्रीम इलेवन कहलगांव। अब चाहिए 51 गेंदों में 39 रन मात्र। सचिन तौलिया 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बॉल श्रवण गौरव के लिए डॉट बॉल, माफ करेंगे ये कृष्ण अर्क हैं। लंबी लंबी गेंदें और एक मौका है यहाँ पर, या छक्का निकलेगा। लीजिए जीत और हार के अंतर को और कम करता हुआ ये बल्लेबाज गौरव राज भागलपुर की रीड माने जाते हैं, मध्य क्रम में आते हैं। जब जब हेमंत ट्रॉफी में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था, क्या शानदार बल्लेबाजी की थी। वर्तमान भागलपुर, वर्तमान हेमंत ट्रॉफी की चैंपियन है, बिहार चैंपियन है और उस टीम के एक बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते हैं गौरव राज। 7 ओवर 93 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 48 गेंदों में 33 रन इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 8वीं ओवर की शुरुआत, लंबी गेंद, गोविंदा इतने देर क्या कर रहे थे। ओहो, गोविंदा पहली ओवर फेंक चुके हैं, 15 रन खर्च किए थे गोविंदा ने। एक बड़ा नाम गोविंदा, बंगाल में 4 ओवर 4 मेडन 4 विकेट, इनका रिकॉर्ड अब तक मौजूद है। जहां मैं कमेंट्री कर रहा था बुलबुल खान के टूर्नामेंट में, मलिक इस्लाम क्रिकेट टूर्नामेंट में, क्या गेंदबाजी। बंगाल में एक बड़ा नाम माना जाता है गोविंदा। लेदर बॉल के भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इस क्षेत्र के हैं नहीं, ये गोपालगंज इलाके से आते हैं, वहाँ इन्हें मौका मिला नहीं, तो फिर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई भागलपुर से और फिर यहाँ पर इनको अच्छे मौके मिलने शुरू हो गए। और टेनिस बॉल से अच्छी एक कमाई का स्रोत है, टेनिस बॉल एक जरिया है, क्यों छोड़ेंगे कोई। ये और कराने की कोशिश, लो फुल टॉस सिंगल और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 95 और यहां पर बीट कराया बल्लेबाज सचिन तौलिया को। काफी देर के बाद एक ऐसी गेंद आई जिसे बल्लेबाज अच्छे तरीके से अपने बल्ले पर ले नहीं पाए। और लीजिए एक चौका निकलता हुआ सचिन तौलिया के बल्ले से, 34 पे पहुंचे, 15 गेंदें खेली है, 3 चौके 3 छक्के शामिल हैं। और इसी के साथ स्कोर चला गया 101 रन। अब जीतने के लिए मात्र 25 रन चाहिए। अरे मेरा नंबर है। बहुत 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 शुक्रिया, कभी कभी भूल जाते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रकाश भाई। 101 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। अब जीतने के लिए मात्र 25 रन चाहिए। और देखिए बाबा की मांग है, रवि झा की मांग है कि अब कमेंट्री से काम नहीं चलेगा, अब स्टार को बुलाइए, अब जितने फिल्मी स्टार हैं उन्हें बुलाइए। लेकिन मेरा मानना है कि
काफी लोग YouTube चैनल पर भी बाबा देख रहे हैं रवि झा बाबा। तो ये फाइनल मुकाबला है, मैच खत्म होने के बाद थोड़ा इंटरटेनमेंट होगा बाबा। ये हेलीकॉप्टर घुमाना चाहते थे लेकिन टाइमिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक रन निकलेंगे कैसे। बिल्कुल आसान मुकाबला बना रखा है सचिन तौलिया और गौरव राज ने। गौरव राज आज उस मूड मिजाज में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं। 18-18 छक्के वाली पारी लेदर बॉल में, मैंने इनके ऊपर कमेंट्री की थी, फूल पास में बल्लेबाजी कर रहे थे, 42 गेंदों में 132 रन ठोक दिए थे, लेदर बॉल बड़ा नाम। ये लीजिए हाथों को खींच लिया था और ऐसा इसलिए गेंदबाज करते हैं कि जो लेंथ है वो पीछे रह जाए और बल्लेबाज चकमे में आ जाए। बिल्कुल ये आंख मिचौले का खेल है भाई क्रिकेट, नाम भी शाहिद है। क्या ये गेंद हाथों में जाएगी क्षेत्ररक्षक के या क्षेत्ररक्षक बनेंगे दर्शक? जी हां बिल्कुल, मैन ऑफ ह्यूज। और एक लंबी हिट अभी अभी सचिन तौलिया के बल्ले से निकली है, ये तौल रहे हैं सभी गेंदबाजों को। 118 रन चाहिए, मात्र चाहिए 12 रन, दो छक्के की आवश्यकता। 112 प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, मात्र 3 गेंदों में क्या खत्म करना चाहते हैं। 46 पर बल्लेबाजी कर रहा है सचिन तौलिया, 18 गेंदे अर्धशतक के करीब। और एक और ह्यूज, ह्यूज ऑन मामूल से सचिन तौलिया की 50 पूरी होती हुई। 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों में ठोक दिए 52 रन, 3 चौके 6 छक्के। स्ट्राइक रेट 273, 120 रन आ गए ड्रीम इलेवन कहलगांव के। 6 रन चाहिए, एक बाउंड्री, 37 गेंदे शेष रह जाएंगी। 36, क्या 36 शेष रहेंगे? जी नहीं, अभी इस ओवर के बाद एक ओवर और अगली ओवर का इंतजार करें। 120 आ गए। ये शुरू में लग रहा था कि जो कम रनों का लक्ष्य होता है किसी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में वो कभी कभी रोचक भी हो जाता है, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ही कायदे से हुई। सचिन जब आए थे तो कुछ गेंदों को इन्होंने जांचा परखा था, थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद मात्र 20 रन में ठोक दिए 53 रन। 19 गेंदों में इनकी 50 आई थी। ड्रीम इलेवन कहलगांव 121, 3 ही विकेट गिरे हैं। करंट रन रेट शुरुआत से ही दमदार रखी अपनी 13.44 की। अभी 36 गेंदों में 5 रन चाहिए। चमचमाती ट्रॉफी, 50,000 इनामी राशि, प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मुकाबला और ये शानदार मैच ड्रीम इलेवन की झोली में जाता हुआ। गोविंदा और गेंद को लॉफ्ट किया है, एक और विकेट सचिन, थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, मोमेंटम तो नहीं बदलेगा यहां पर से क्योंकि विकेट्स काफी हाथों में है। चौथी विकेट गिरी, दर्शकों से गुजारिश, खूब मनोरंजन किया सचिन तौलिया ने, पर जोरदार तालियां हो जाए सचिन के लिए। सचिन आपका खेल देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। दमदार पारी खेली, क्या मनोरंजन किया, क्या क्लास दिखाया आपने। बेशक छक्के आपने ज्यादा मारे लेकिन चौका आपने जो निकाला था मानो सुई में धागा पिरो रहे थे आप। कमाल, कमाल का आयोजन, सैल्यूट है अमित चंद्रा, रवि झा, निर्मल सिंह और जितने हमारे अनुरंजन भैया अभी अभी आए उनका भी स्वागत और जितने लोग बैठे हुए हैं सबों का स्वागत। दमदार गरिमा में उपस्थिति से ये टूर्नामेंट और भी खूबसूरत हो गया है। ये क्या आखिरी बॉल होगी गोविंदा की? जी लीजिए मैच खत्म, जीत लिया 6 विकेट से, शानदार तरीके से इस मुकाबले को 9.1 ओवर में खत्म किया। 34 गेंदे शेष रहते हुए 127 रन बने, 4 विकेट का नुकसान हुआ। सचिन तौलिया अभी अभी आउट हुए थे, अर्धशतक ठोक कर। और चलिए अब लिए चलता हूं मैं
अपने अमित चंद्रा के पास मुकाबला यहां पे जीत लिया है ड्रीम इलेवन ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्यारे दर्शकों, आपने टूर्नामेंट को अपनी दमदार उपस्थिति से रोचक रोमांचक शानदार बनाया और क्या एक तरफा मुकाबला हुआ। अभी अभी भैया लगा कि अभी तो दूसरी पारी शुरू होनी है लेकिन ये मैच खत्म हो गया। कई दर्शक आते आते रह गए होंगे और उन्हें पता चला होगा कि मैच तो खत्म हो गया है। क्या दमदार बल्लेबाजी सचिन तौलिया, और निसंदेह मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच वही होंगे। 6 विकेट से जीत हासिल करते हुए चमचमाती ट्रॉफी और 50,000 इनामी राशि पर कब्जा जमाया ड्रीम इलेवन कलगांव की टीम ने। आपको शुभकामना और शुभकामनाएं ढेर सारी सोनू इलेवन भागलपुर की टीम को भी। चलिए अगले मैच में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए लूंगा मैं आपसे इजाजत। जय हिंद जय भारत।